अब खबर जयपुर एटीएस से जुड़ी हुई है, जहां एटीएस एसओजी मुख्यालय से खबर। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ यहां पर किया गया। बांग्लादेशी नागरिक और उसके दो सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। मोहम्मद महमूद आलम टूलू उर्फ किशोर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी परमानंद भैरवानी और दीपक यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। एडीजी वीके सिंह के निर्देशन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता राकेश दादिच। राकेश, फर्जी दस्तावेज बनाने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? बिल्कुल, लगातार एटीएस ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में एटीएस राजस्थान द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जिनमें राजस्थान में निवास कर रहे बांग्लादेश नागरिक के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें बांग्लादेश का जो नागरिक है मोहम्मद महमूद आलम उर्फ किशोर कुमार और उसका सहयोगी परमानंद मेहरवानी उर्फ नंदू एवं दीपक यादव को गिरफ्तार किया है। बहरहाल इन तीनों से जो एटीएस की अधिकारी है वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला है। इस तरह से जो फर्जी दस्तावेज बना के राजस्थान में निवास कर रहे हैं उनके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जुटी हुई है। आईजी अंशुमान बोमिया के नेतृत्व में एक विशेष शाखा का गठन किया गया है, जिस शाखा ने जो बाहर के जो राज्य देश के जो निवासी है वो फर्जी दस्तावेज के थ्रू भारत में निवास कर रहे हैं उनके खिलाफ एक अभियान चला रखा है, जो उसी क्रम में आज ये कार्रवाई देखने को मिली है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश इस तमाम जानकारी।